सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन पहले महाराष्ट्र में हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी हुई, जो हमारे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। जब हमारे मुफ्ती साहब खाली इतना बोले थे कि आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, तो उनके खिलाफ़ FIR कर दिए, उनको 6-7 महीने से जेल में रखे हुए, अभी तक रिलीज़ नहीं करे। ये कुत्ता हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर दिया, 2 दिन हो गए, अभी तक उसके खिलाफ़ कुछ भी एक्शन नहीं है। मैं महाराष्ट्र पुलिस से अपील कर रहा हूँ कि गुजारिश कर रहा हूँ, वो कुत्ते के बच्चे को अरेस्ट करो। ये गंदी गंदी नाली का कीड़ा है, इन्हें नफरत फैला रहा है यहाँ पर, हमारे को ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और ये हमारे तमाम मुसलमान भाइया जो सो रहे हैं, कल क़यामत के दिन हमारे को जवाब देना है इसका, तैयार रहो जवाब देने। आप लोग क्या हो रहा, देखो क्या कर रहे, गुस्ताखी हो रही है हमारे नबी पाक की शान में, बर्दाश्त नहीं होती हमारे को ये। कल हमारी आखिरत संवारने वाले हमारे प्यारे नबी हमारी दुनिया में हमारे लिए आए और हमारे लिए सब सिखा के गए, जीने का तरीका, मरने का तरीका, हर चीज बता के गए। तुम लोग उनके वास्ते आगे नहीं आ रहे, तुम लोग पैसे कमाने में लगे हुए, दीन छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, नमाज छोड़ दिए, अल्लाह को राजी करना छोड़ दिए। क्या क्या जवाब देते क़यामत के दिन, बोलो आप लोग। एक ही बात कर रहा हूँ, बीवी बच्चों को छोड़ो, सब छोड़ दो, घर पर सब लुटा दो उनकी शान में, हमारे कुछ भी बढ़ के नहीं है उनके लिए। एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो मेरे साथ में है, मेरा साथ देने आए, हमारे साथ वो चले जो सर उठा के चले, वाह साहबा उनका नारा लगा के चले, तकबीर तकबीर तकबीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़की सालम बा सुलेमान है। मेरा नाम ज़की बिन सालम बा सुलेमान है। मैं अलजुबेल कॉलोनी में रहता हूँ। आज 2 दिन पहले ये इसका नाम रामगिरी जो कि नागपुर का रहने वाला है महाराष्ट्र का, इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, कुछ गैर गलत वीडियो बनाया, ये करना क्या चाह रहे हैं आखिर? हिंदुस्तान की हुकूमत और अपने सेंट्रल से करना क्या चाह रहे हैं ना? हर जगह मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, मदरसों को तोड़ा जा रहा, अपने मज़ारों को शहीद किया जा रहा, किस लिए? ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही? आज इसके ख़िलाफ़ हम लोग बल्लागुड़ा PS में कंप्लेंट देने आए थे। इंशाल्लाह सर्कल साहब की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को, और हमारे को उम्मीद है ये बात कमिश्नर साहब CM साहब के पास जाएंगी और वो इंशाल्लाह सेंट्रल से उसको उठाने लगेंगे इंशाल्लाह। लबैक लबैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली हुसैनी फ्रॉम चंद्रनगुट्टा। हम लोग कल भी चंद्रनगुट्टा लिमिट्स में चंद्रनगुट्टा PS को गए थे कंप्लेन देने, जो कि रामगिरी महाराज बम्बई थाने में रहने वाला, जो गुस्ताखी करा नबी की शान में, तो उसके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह कल चंद्रनगुट्टे में भी दिए कंप्लेन और आज बल्लागुड़ा PS को भी आए। पूरे नौजवान जितने भी हैं, एलजुबेल कॉलोनी, गाजी मिलत और भी है, बारकस सलाला एंड चंद्रनगुट्टे के रहने वाले जितने भी हैं, तो पहली बात तो ये बोलना चाह रहा हूँ, हैदराबाद की आवाम से मैं और बाहर के भी जितने भी मुसलमान हैं, नबी की मोहब्बत है जिसके दिलों में, तो निकलिए अपने अपने एरियों से, अपने अपने एरिया डिवीज़न वाइज PS को जाइए, कंप्लेन दीजिए। ये अपने को फंडामेंटल राइट्स है, ये यूज़ करिए आप लोग, इससे कोई पीछे मत हटिए, डरिए मत, कुछ होने का नहीं है ये। आप लोग जाइए ऑफिशियली वर्क करिए, इंशाल्लाह ये चीज़ पहुंचेंगी दूर दूर तक, और मुझे यकीन है उसको फांसी मिलेंगी या जो सज़ा है उसको जो मिलना, इस्लाम के दायरे से देखा गया तो ऐसे को फांसी या कत्ले आम कर देना इस्लाम में ये है, लेकिन इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव इंडिपेंडेंट लाइफ, बट यू आर नॉट से गुड, यहाँ पे सही नहीं हो रहा कुछ भी, कोई कानून कुछ भी नहीं, जो मर्जी है जिसको बोल दे रहा। अगर हम लोग भी अगर किसी रिलीजियस को बोले तो ना कितना बड़ा मुद्दा उठा देंगे, ये तो नबी की शान में बोल दिया। नबी जिसको नहीं मालूम है ये बात बोलना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ए इस्लामिक लीडर, जो पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को बैठने से लेके चलने से लेके कपड़ा पहनने से लेके खाना पीना, हर वो चीज़ पैदा हुए से मरे तक, खबर तक, हर वो चीज़ सिखाए हुए, ज़िंदगी जीने का उसूल, हर वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, भरोसे में सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने को बख्शाने वाले, तो आपके लिए अपन इतना नहीं कर सकते, करना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन इतना नहीं कर सकते अपन, जितना हो रहा उतना करिए आप लोग। और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल कमिश्नर ऑफिस, CO ऑफिस, DCP ऑफिस और कल सब जगह जाना है, ये लेटर्स पूरे हर तरफ के सबमिशन करके स्टैम्प्स के साथ पूरा कराना है, आप लोग भी करिए, ये ऑफिशियल वर्क है। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे को तेलंगाना पुलिस से कि इस पर एक्शन लेंगे, सेंट्रल तक प्रेशर होने वाला है ये, और इसकी जस्टिस मिलना चाहिए हमारे को। एंड थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद सोहेल है।
हम लोग चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले, जो रामगिरी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी करा उनके खिलाफ बोला, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे तमाम नौजवान इसके खिलाफ कंप्लेन कर दिए। और मैं तमाम नौजवानों को, मुसलमान को ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने हर हर महल्ले से लिख लिए और अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके हर महल्ले के उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, क्योंकि हर मुसलमान छोरा क्या हो रहा है आखिर, हिंदुस्तान की डॉक्यूमेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, सबका मजहब बराबर है, सबका इक्वल है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सलमान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दो वर्ड बोले थे खाली, अभी तक उनको बेल नहीं मिली, 6 से 8 महीने हो गए। क्या है हिंदुस्तान की डॉक्यूमेंट्री, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। मैं तमाम मुसलमानों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने अपने हर महल्ले से लिख लिए, ये रामगिरी जो महाराष्ट्र का रहने वाला है इसके खिलाफ कंप्लेंट करिए, क्योंकि इन्हें जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा। हम लगा सब बोल लो, हम लोग बर्दाश्त कर ले सकते हैं, मगर हुजूर की शान में हम लगा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, हुजूर की शान में हम लगा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम महा भी करते हो तो बदलाते हो जाते हैं बदलाम, हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदलाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अल्लाह हम लोग चल बल्लागोड़ा पीएस पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करे, बल्लागोड़ा दोनों में भी कंप्लेंट करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का हक अदा कर दिए। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु, मैं मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ। बल्लागोड़ा पीएस में जो है नौजवाना ने अलजुबल कॉलोनी वाजिमिल्लत कॉलोनी के जो है कंप्लेंट करने आए थे, माशाल्लाह रिस्पांस अच्छा मिला बल्लागोड़ा पीएस से। सर्कल साहब बोले डीसीपी और कमिश्नर साहब तक ये जो है हम पहुंचाएंगे और पहुंचा के जो है सेंट्रल तक जो है ये बात को लिख जाएंगे, बोल के हमको सर्कल साहब हम आपको वादा करें। और माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस्ता इतने FIR दर्ज हो गए, महाराष्ट्र में दर्ज हो गए और हर जगह दर्ज हो रहे हैं, मगर उसको क्यों नहीं उठा रहे? आखिर क्या है, क्या कर रही मोदी की गवर्नमेंट, क्या तो भी कर रही महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्या कर रही, इसको अरेस्ट किया जाए। बस मेरा एक ही मुतालबा है कि उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, बस एक ही मुतालबा है। और हमको बल्लागोड़ा पीएस से रिस्पांस बहुत अच्छा मिला।